इस चैनल की वसादत से ये तो इस एरिया का नाम गुलशनपुरा बगतौर है और इस मोहल्ले का नाम डांगन है जहाँ पर आप इस वक्त मौजूद हैं। तो जो ये रोड ये 2006-07 में बना है, इसमें तो अभी मैगडम नहीं हुआ है, लेकिन सुनने में आया है कि इसमें टेंडर हुआ है, तो अब इसी साल इसमें मैगडम होगा। तो यहाँ पर बहुत सी परेशानियाँ, अगर हम परेशानियाँ गिनेंगे तो फिर उनका ख़त्म होना बहुत मुश्किल है, खासकर विंटर में। विंटर में बहुत मुश्किल होती है, अगर कोई बीमार होगा कुछ होगा यहाँ पर, उतना वो उसके लिए अरेंजमेंट नहीं है, मेडिकल सहूलियत नहीं है। तो अब यहाँ पर मतलब खुदा का ही फजल है, खासकर विंटर में। इसके अलावा आप इस वक्त रोड की कंडीशन खुद देख रहे हो, आप रोड के ही ऊपर हो, आप देखते हैं कि रोड कैसा है क्या है। बाकी जो मुश्किलात है गांव में, ना कोई मेडिकल सब सेंटर है, ना कुछ फैसिलिटी है यहाँ पर, मतलब पे अगर कोई पेशेंट होता है उसको कहाँ ले जाते हैं? बस यहाँ अगर कोई पेशेंट होगा उसको सीधा बांडीपोरा लेना पड़ता है, उसको भी अभी वो पुराने जमाने की तरह अभी कंधों पर उठाओ, फिर जब जहाज आएगा, अगर मौसम ठीक होगा तो फिर जब जहाज आएगा तो फिर उसको वहाँ लिफ्ट करके बांडीपोरा पहुँचाया जाता है, वरना अगर वेदर ठीक नहीं था तो फिर उसको बस खुदा ही जानता है, या तो वो डेथ होता है या तो ऐसे ही रह जाता है। जो हालात है आप खुद भी देख रहे हैं कि रोड की हालात कैसी क्या है, मुश्किलात बहुत हैं। अगर मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मुश्किलात हम गिनेंगे तो फिर इनका गिनना भी कंधे पे उठा कर उनको लिया जाता है यहाँ से हॉस्पिटल तक। अब जिला इंतजामिया बांडीपुरा के साथ साथ मुतल्लम है, क्या गुजारिश करना चाहूँगा? मैं अपने इसी डीसी साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के मालिक होते हैं, डिस्ट्रिक्ट साहब से ही गुजारिश करता हूँ कि खासकर इस वादी गुरेज या ये जो हमारा इलाका है बगतौर जो हमारा इलाका है, इसकी तरफ ज़्यादा वो ध्यान दे, क्योंकि ये वादी से 6 महीने कटाव बिल्कुल कटाव रहता है, और 6 महीने अगर ये मतलब कुछ कर पाता, लेकिन यहाँ पर आज तकरीबन दो तीन साल हो गए यहाँ पर, मतलब लोगों को अब मजदूरी भी नहीं मिलती है, मजदूरी भी अब ख़त्म यहाँ पर हुई है। लोग घरों घरों में बैठ कर बस जो उनको अपना ये फसल वसल निकल जाता है उसी पर अब लोग गुजारा करते हैं, क्योंकि अब मजदूरी भी नहीं मिलती है। पिछले 2-3 साल से बिल्कुल काम जो काम चाहे R&B निकालता था, चाहे REW निकालते थे, 2-3 साल से हो गए वो भी ठप, बिल्कुल बेकार पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं, कोई मजदूरी नहीं है, कुछ भी नहीं है।